सर आज आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आया हूँ जो शायद मिलती तो हर जगह बट टेस्ट लेवल पे वैसा नहीं मिलता जो एक्चुअली लोग मांग। आदाब नमस्कार सत श्री अकाल, जायकों की गलियों से द लजीज फूड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शेरज। इस वक्त हम मौजूद हैं सैनी इंक्लेव में और जनाब कहाँ हैं? पब्लिक स्क्वायर रेस्टोरेंट में। और जनाब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा चैनल ड्रिंक को कभी भी प्रमोट नहीं करता। इस बार रेस्टोरेंट के अंदर हम सिर्फ खाना प्रमोट करेंगे और खाने के बारे में ही आपको बताएंगे। क्या है इनके खाने खजाने में, दिखाते हैं पब्लिक स्क्वायर बार के अंदर। आप सौरभ? अच्छा सौरभ जी यहाँ पे मैनेजर है जिनसे हमारी बात हुई थी। सौरभ जी क्या लेकर आए हैं आप? सर आज आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आया हूँ जो शायद मिलती तो हर जगह बट टेस्ट लेवल पे वैसा नहीं मिलता जो एक्चुअली लोग मांगते हैं। क्योंकि जो बार में हम लोग कई तरीके की कॉकटेल्स वगैरह साथ में ऐसी सर्व करते हैं जिसमें लोग अपने आप ही कहते हैं कि नहीं सर ट्राई दिस। जैसे हमारा बारमैन स्पेशल है, लोग अपने आप मांगते हैं हमसे कि अपना बारमैन स्पेशल बिलाओ। ये सब चलिए जनाब देखते हैं कि खाने के खजाने में क्या है खास। कुछ कस्टमर हैं यहाँ पर जो कि लंच भी कर रहे हैं और साथ में ड्रिंक भी ले रहे हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? उदय राणा। राणा साहब ये बताइए कि आपको यहाँ पर क्या स्पेशल लगता है कि जो आप यहाँ पर ड्रिंक एंड लंच या डिनर के लिए आते हैं? मेरा ऊपर ऑफिस है तो जैसे मेरा रिलैक्सेशन का मूड होता है मैं यहाँ पर आता हूँ। अच्छा, इसी बिल्डिंग के ऊपर आपका ऑफिस? हाँ जी मेरा ऑफिस है ऊपर। तो ये तो बेस्ट है आपके लिए, जब भी आपको लंच या ड्रिंक या कुछ भी करना होता है आप आ जाते हैं यहाँ। बिल्कुल। यहाँ पर बहुत ही मशहूर है मटन रोगन जोश, आपने कभी ट्राई किया? सर वही हमारा फेवरेट ऑर्डर होता है। मैं यही जानना चाह रहा था कि आपका फेवरेट क्या है। वही मेरा फेवरेट ऑर्डर होता है। नहीं हमें रेस्टोरेंट अच्छा लगा, खाने में अच्छा लगा तो टेस्ट में अच्छा है। अच्छा टेस्ट करके बताएं हमें आपके। हाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। एनिवर्सरी पे जो गेस्ट आए उनसे बात करेंगे, जाना चाहेंगे पब्लिक स्क्वायर बार एंड रेस्टोरेंट के अंदर, खाना कैसा लग रहा है? नाइस है, अभी तो स्नैक्स से लिए नाइस है। अभी खाना स्टार्ट नहीं हुआ? नहीं नहीं। स्नैक्स में क्या मिला है आपको? स्नैक्स में चिली पोटैटो है और पनीर है और सोया चाप है। मैम फूड कैसा लग रहा है? टेस्टी, मेरी प्लेट भी खाली है। ओके, आपने फिनिश भी कर दिया है। मैम आपको कैसा लग रहा है? ठीक है। सो सो यहाँ पार्टीज होती हैं, अक्सर आते हैं आप? नहीं फर्स्ट टाइम आए। किटी पार्टीज वगैरह भी होती हैं यहाँ? आप चाहेंगे आगे कि किटी पार्टीज वगैरह यहाँ पर सेलिब्रेट करना चाहिए? हाँ ठीक है। आप क्या चाहेंगे मैम, आपको क्या लगा यहाँ का माहौल अच्छा लगा? या फर्स्ट टाइम ही आई, अच्छा है। अच्छा मैम आप यहाँ पर आए एनिवर्सरी पार्टी के अंदर आए तो यहाँ का माहौल कैसा लग रहा है? क्वाइट गुड, गुड गुड फॉर फैमिली फंक्शन। अच्छा किटी पार्टीज वगैरह करना चाहेंगे आप यहाँ पर? या श्योर।
भैया क्या बना रहे हैं आप? मटन रोगन जोश बना रहे हैं। तो लीजिए जनाब, हमारे जो शेफ़ साहब हैं वो मटन रोगन जोश बना रहे हैं। दिखाते हैं आपको कि बनाते किस तरीके से। ये ग्रेवी आपने पहले से बना के रखी हुई है? अभी बनाया। ये गई गाइस, इसके अंदर पिसी हुई मिर्च और ये धनिया। ये अपना मसाला बना है। और ये इनका खुद का बनाया हुआ मसाला है। क्या क्या डालते हैं अपने गर्म मसाले में? आप खड़े मसाला वगैरह बाहर से आते हैं जो, उसको पीस के सारा वो मटन के लिए स्पेशल बनाते हैं। ये देखिए गाइस, ये मटन के पीसेज हैं और 4 पीसेज मिलेंगे आपको और पीसेज का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। ये गैस के अंदर हरा धनिया। अच्छा, ये वाली जो मिर्ची होती है तीखी कम होती है थोड़ी। गाइस, इसमें देसी घी जा रहा है। मटन रोगन जोश की जो स्पेशलिटी होती है वो हर कोई नहीं बताएगा आपको। वो जो मटन रोगन जोश को मटन रोगन जोश बनाता है वो देसी घी है। तो लीजिए जनाब, पब्लिक स्क्वायर बार एंड रेस्टोरेंट के खाने खजाने में क्या है खास हमारे लिए, उसका वेट ख़त्म हो चुका है। ये इनका मटन रोगन जोश है और ये लच्छा पराठा और ये इनकी मलाई चाप है। और ये गाइस, जो इनके ओनर ने पंकज कत्याल साहब हैं, उन्होंने हमें बताया था कि आप हमारे दही के कबाब ज़रूर टेस्ट करें। और ये टंगड़ी कबाब है और ये इनका फिश। तो चलिए गाइस, टेस्ट करके बताते हैं आपको। इतना सॉफ्ट टंगड़ी कबाब मैंने आज तक नहीं खाया है। क्रीम के अंदर इसको बनाया गया है और जो यहाँ के शेफ हैं उन्होंने बताया था कि 12 घंटे इसको मैरिनेट करके रखते हैं। और गाइस, ये जो यहाँ के ऑनर हैं और शेफ भी, उन्होंने कहा था कि जो फिश है हमारी वो गणेश की फिश से भी ज़्यादा बेहतर है। टेस्ट करते हैं फिर बताते हैं आपको। और गाइज, ये आ जाता है मैन जो यहाँ का सबसे फेवरेट है, मटन रोगन जोश। गाइज, मेरे को चाप का पीसेस सबसे अच्छा लगता है, चॉप भी बोलते हैं इसको। और अगर हिंदी में कहा जाए तो, मुस्लिम एरिया में जाएंगे तो चाप कहा जाएगा इसे। और इसको मैं लच्छा पराठा से खाऊंगा। गाइस, काफ़ी बड़ा पीस है और 4 पीसेस मिलेंगे आपको। जब ये बन रहा था हमने आपको दिखाया था कि देसी घी में डाल के इसको बनाया गया था। वाकई देसी घी ऐसा लग रहा है कि मैं देसी घी में ही डुबो के इसको खा रहा हूँ। पूरा फ्लेवर मिलेगा आपको इसके अंदर देसी घी का। तो गाइस, सौरभ जी से रूबरू तो हमने आपको करा दिया है, अब क्या हमारे लिए खास लेकर आए और टाइमिंग क्या है बात करेंगे उनसे, जानना चाहेंगे कि किस टाइम खुलता है और ओपनिंग टाइम क्या है, क्लोजिंग टाइम क्या है। मॉर्निंग में अगर हम बात करें तो वी आर ओपन एट 12 इन द लंच फॉर लंच एंड आफ्टर दैट इन द इवनिंग वी आर क्लोजिंग एट 12:30। डिपेंड करता है, कई बार जैसे पार्टियाँ होती है ना तो कई बार गेस्ट बोल देता है तो हम उसको एडजस्टेबल थोड़ा बहुत मैनेजमेंट कर सकते हैं। टुगेदर पार्टीज, जैसे बड़ी पार्टी हो गई या होती है, कॉर्पोरेट्स होते हैं, अलग अलग तरीके की पार्टीज होती हैं, तो उस चीज़ को देख के हम लोग थोड़ा मैनेज कर लेते हैं। इसकी तो कोई दिक्कत नहीं होती, जैसे कि बताया जाता है कि 12 बजे के बाद बार को लाइसेंस टिल 1 o'clock, सो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ये
बहुत अच्छा है अगर आप गेट टुगेदर पार्टी करते हैं यहाँ पे, बर्थडे पार्टी हो, केटी पार्टी हो, लेडीज़ के लिए और जेंट्स के लिए अगर वो एनिवर्सरी या कुछ 10 फ्रेंड मिलकर के भी गेट टुगेदर कोई पार्टी ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा पैकेज भी है यहाँ पर, और आप थोड़ा लेट भी हो जाते हैं तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, गेट टुगेदर जैसे कोई पार्टी होती है, मान लो 10 पीपल्स अगर पार्टी करना चाह रहे हैं और उस पर मौका कुछ भी हो, चाहे वो बर्थडे का हो, चाहे वो किटी पार्टीज का हो या एनिवर्सरी का हो, तो उसका पैकेज क्या हो? हर एक का अपना अपना एक पैकेज होता है। जैसे हम किटी पार्टी की बात करें वो होती है लंच टाइम पे, और अगर हम बात करें कॉकटेल लेना की वो होती है नाइट टाइम एज यूजुअल। तो हर एक का पैकेज अपना अपना होता है, हर एक के हम कस्टमर के बजट के हिसाब से करते हैं। जैसे कस्टमर का बजट है फॉर एग्जाम्पल 500 वाट्स, तो हम उसमें ही कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं सो दैट कस्टमर इन हो जाए हमारे पास। अच्छा, तो उसका एक अमाउंट बता देंगे आप? अब जैसे मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली दे रहा हूँ, ऑल फिगर्स जितनी भी है मेरी ये सारी अप्रॉक्सीमेटली की है। तो जितनी भी हम लोग वो करेंगे, मतलब जैसे किटी पार्टी जैसे 500 प्लस टैक्सेस पे होती है मेरे पास, अराउंड कितना पहुँच जाता है टैक्सेस प्लस कितना अराउंड? 5% GST, इट्स लाइक 525 और मे बी लेस देन दैट। I'm just giving you a roughly idea. अच्छा, गेट टुगेदर पार्टीज के अंदर मिनिमम पीपल्स कितने होने चाहिए? मिनिमम 15 होने चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, उससे नीचे ये होता है कि उनका अलग आके फिर हमारा सस्ता पड़ता है गेस्ट को। तो अच्छा, हम लोग सजेस्ट करते हैं कि गेस्ट का, हम लोग गेस्ट के बजट के अकॉर्डिंगली चलते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। अच्छा सौरभ जी, अगर कोई हमारे दर्शक यहाँ पर आते हैं तो हमारे चैनल के थ्रू उनके लिए कुछ डिस्काउंट वगैरह होगा? बिल्कुल बिल्कुल, आपके थ्रू आते हैं हमारे को बताएंगे तो 20% डिस्काउंट टोटल बिल पे मैं उनको दूंगा। देख लीजिए सौरभ जी, ऑन रिकॉर्ड कैमरा पर है, आप बोल रहे हैं मुकरेंगे नहीं? मैं अपनी जुबान से नहीं मुकरता सर, इसीलिए मैं जाना चाहता हूँ। तो गाइस, आप अगर आते हैं और दाल अजीज फूड का प्रेफरेंस देते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। आप कभी भी आएँ, गेट टुगेदर पार्टीज करते हैं, कभी भी आएँ आप, चाहे बर्थडे पार्टी हो, एनिवर्सरी हो या कोई किटी पार्टी हो, आपको 20% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। तो ठीक है, खत्म करता हूँ, और आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और हमारे चैनल को